वेलकम टू अन अकेडमी यूजीसी नेट। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गाइस कृतिका पारेख, आपका सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज अपनी क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज है क्योंकि काम था, इस वजह से रात को 9 बजे क्लास नहीं ले पाई हूँ। तो आज आप लोगों के लिए क्लास हमने जो लगाई है वो लगाई है 1 बजे। आज 1 बजे अपनी क्लास होने जा रही है और आज की जो क्लासेस है वो यहीं पे हमारी एंड हो जाएगी। और जहां तक सवाल है आप लोगों को, मेरी पुरानी जो अदर क्लासेस हैं वो भी आप ले सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, क्विज के जरिए, स्पेशल क्लासेस के जरिए और प्लस कोर्सेज के जरिए। सभी में एनरोल कराने के लिए आप यूजीसी डैशबोर्ड की हेल्प ले सकते हैं। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे मेरी क्लासेस देख के, स्पेशल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये गाइस मेरी क्लास का भी टाइम टेबल है, जैसे कि मैं मॉर्निंग में 9 बजे लेती हूँ पेपर 2 मतलब ज्योग्राफी की स्पेशल क्लास, फिर 10 बजे मैं लेती हूँ पेपर 1 की प्लस क्लास YouTube क्लास, 10:30 बजे प्लस क्लास होती है मेरी, 3 दिन पेपर 1 3 दिन पेपर 2। उसके बाद में फिर शाम को 5 बजे होती है पेपर 1 की स्पेशल और रात को 9 बजे होती है पेपर 2। बट ये आज हमारा दोपहर में 1 बजे हो रहा है। इसी के साथ में आप लोगों को क्यों स्पेशल क्लास लेनी चाहिए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है क्योंकि वो काफी इंटरेक्टिव क्लासेस होती है। लेक्चर नोट्स आपको वहां पे मिलते हैं और PDF भी आपके लिए वहां पे अवेलेबल रहता है। इसी के साथ में आपने अगर अभी तक मेरी प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो कृतिका पारिक के नाम से मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो पुरानी क्लासेस है आप उनको भी देख सकते हैं, तो पुरानी क्लासेस से आपको काफी हेल्प मिलेगी और पुरानी क्लास का भी जो PDF है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप मेरे साथ में सब्सक्रिप्शन लेके स्पेशली टारगेट करना चाहते हैं जून 2022 के पेपर को, तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। मेरे भी 2 बैच चल रहे हैं, एक है ओशनोग्राफी का, एक है रिसर्च एप्टीट्यूड का, रिसर्च एप्टीट्यूड फॉर पेपर 1, ओशनोग्राफी फॉर पेपर। दोनों की टाइमिंग 10:30 बजे है। MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सुबह 10:30 बजे पेपर 1 एंड TTS सेम टाइम पेपर 2। तो वीक में 6 डे मतलब मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस होती है। जल्दी कीजिए, UGC10 रेफरल कोड आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ में बाकी टारगेट बैच चल रहे हैं और एक बैच है वीकेंड स्पेशल बैच। काफी लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी नहीं कर पाते हैं और उन्हें लगता है कि हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है, तो वो वीकेंड पे क्लासेस ले सकते हैं। इसके लिए अनअकैडमी के पास में 2 वेरिएंट है, आइकॉनिक एंड प्लस। आइकॉनिक की फीस है 28,000 एक साल की और प्लस की फीस है 14,000। दोनों में ही आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा यूजी रेफरल कोड लगाने का, आप UGC10 रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई करेंगे 14,500 कन्वर्ट हो जाएगा 13,050 में और 28,000 से सीधे आप पे आ जाएंगे 25,000 पे। आप अगर चाहें तो EMI भी ले सकते हैं और मेरे साथ में आकर के जुड़ सकते हैं। ये गाइस आपके हैं फायदे, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सब आपको द ग्रेट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ही मिलेगा। तो जल्दी से अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और हाँ, रेफरल कोड आपके पास में UGC10 है, उसको लगाना मत भूलना। तो गाइस जैसे कि आप सभी को याद है कल तक की क्लास में हमने 35 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज की क्लास में हम लोग 36 क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, एक मिनट। विषाणु रोग किसका उदाहरण है? एटमॉस्फेरिक हजार्ड, टेरेस्ट्रियल हजार्ड, एक्वेटिक हजार्ड एंड बायोलॉजिकल हजार्ड। क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, तो करेक्ट आंसर अलग अलग आ रहे हैं बट द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जो विषाणु होते हैं, वायरल डिजीज जो होती है, वो एक तरीके के बैक्टीरिया से होने वाला एक खतरा होता है, तो वो एक बायोलॉजिकल हजार्ड होता है जिसमें जैविक तत्वों की प्रधानता की वजह से ये रोग जन्म लेता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रॉपिकल लेवल रेफर टू एन, एक कोशी स्तर संदर्भित करता है। एरिया इन द ट्रॉपिक्स, ऑर्गेन्स पोजिशन इन अ फूड चेन, ऑर्गेन्स पोजिशन इन एन इकोसिस्टम एंड ऑर्गेन पोजिशन इन अ बायोम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट ऑर्गेन्स पोजिशन इन अ फूड चेन। कोशी स्तर क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, फूड चेन है, मान लीजिए कि ये हमारी फूड चेन है,
ठीक है, हमारी फूड चेन में स्टार्टिंग होती है प्रोड्यूसर से, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टेरिटरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो पोजीशन होती है वो डिपेंड करती है कि हमारी आधार खाद्य श्रृंखला में कौन सा जो पोषी स्तर है वो जीव की स्थिति क्या है, मतलब कि वो प्रोड्यूसिंग स्टेज में है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टेरिटरी कंज्यूमर है, या फिर वो डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, Which of the following is not a cause of formation of urban heat island? निम्नलिखित में से कौन शहरी ऊष्मा द्वीप के निर्माण का कारण नहीं है? कारण नहीं है। प्रेजेंट ऑफ ह्यूज कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, वेस्ट हीट जनरेशन ड्यू टू एनर्जी यूज, प्रेजेंस ऑफ सफिशियंट ग्रीनरी इनसाइड द सिटी एंड स्टोर ऑफ थर्मल मास। वेरी गुड संजू जी, आपने करेक्ट आंसर दिया सबसे पहले। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट प्रेजेंस ऑफ सफिशियंट ग्रीनरी इनसाइड द सिटी। देखिए अर्बन आइलैंड क्या होता है, पहली बात आइलैंड के कॉन्सेप्ट को समझिए। आइलैंड का मतलब होता है कि बीच की एक जगह हो और उसके चारों तरफ उससे डिफरेंट बॉडी हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक है कॉन्टिनेंटल बॉडी, ठीक है, और ये है ओशियन। कॉन्टिनेंट चारों तरफ है और बीच में उसके क्या है, ओशियन है, तो ये आपके क्या कहलाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपके कहलाएगा आइलैंड। तो सिमिलर सी अर्बन आइलैंड क्या होता है, अर्बन आइलैंड का मतलब ये है कि कोई भी एक पर्टिकुलर जगह है, मान लीजिए कि ये पूरे पूरे विलेज है, इन विलेज के बीच में एक जगह है सिटी। तो कंपेरेटिवली क्या होता है कि चारों तरफ विलेज है, विलेज का टेम्परेचर मान लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो आपका सेंट्रल सिटी होगी उसका टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये जो +2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, चारों तरफ 30-30-30 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन सिर्फ बीच में देखने को मिल रहा है कि वहां पे 32 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल चीज नेचुरल तो नहीं है। अगर कोई भी चीज नेचुरल होती तो वह गाँव में भी होती। इसके लिए कौन सी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जो मैन मेड एक्टिविटीज है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, साथ ही साथ आपके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो गई, पॉल्यूशन एक्टिविटीज होगी, मतलब जो इंसान की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है। हम भी कई बार फील करते हैं कि जब गांव से शहर जाते हैं तो अलग सी हीटिंग महसूस होती है, और जब शहर से गांव की तरफ आते हैं तो एक साथ ठंड लगती है, वो टेम्परेचर वेरिएशन है। इसी को अपन अर्बन आइलैंड, हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से गलत को पहचानिए। ह्यूमन इकोलॉजी एच एस बैरोज, इकोसिस्टम ए जी टांसले, इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल एंड 10% रॉ रूल नील स्मिथ। So, आपको गलत इसमें पहचान करना था। 39 का संदीप पाठक आज तो फुल फॉर्म में डी आंसर दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। 10% लॉ दिया था लिंडमान ने, इसको अपन 10% एनर्जी रूल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी 90% माइनस हो जाती है, ठीक है, और फिर वो सिर्फ 10% केस के अंदर ही सेव रहती है, तो इसको अपन एनर्जी का 10% रूल बोलते हैं। और ये दिया गया था लिंडमान ने सबसे पहले, नील स्मिथ इसके फाउंडर नहीं है। नेक्स्ट, द बेसाल कन्वेंशन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल हजार्ड। बेसाल कन्वेंशन किस पर्यावरणीय खतरों से संबंधित है? बिल्कुल, ये कल भी अपनी क्लास में बात हुई थी, मैंने डिटेल में आपको इसके बारे में बताया था। बेसाल, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है इसका। वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। कंट्रोल ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ हजार्डियस वेस्ट मटीरियल एंड डिस्पोजल ऑफ दीज सब्सटेंस।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसाल कन्वेंशन। बेसाल कन्वेंशन क्या था? बेसाल कन्वेंशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमोंग द पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन? कौन सा प्रवास के खींच पुल फैक्टर है? पुल फैक्टर का मतलब ये है कि जो उसे मतलब खींच मतलब उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, आकर्षित करने वाले फीचर। ओके सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन एंड आपका अनप्लीजेंट क्लाइमेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। लाइक सिक्योरिटी ऑफ लाइफ में सब आ जाता है। देयर आर टू काइंड ऑफ फैक्टर्स। फर्स्ट इज पुल फैक्टर, सेकेंड इज पुश फैक्टर। पुल फैक्टर का मतलब होता है जो अट्रैक्ट करते हैं, पुश का मतलब होता है वो चीजें जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मजबूर कर रही है। मान लीजिए कि कोई इंसान गाँव में रह रहा है, तो गाँव में रहने वाले इंसान के लिए जितना वो वहां कमा रहा है उससे दुगना वो शहर रह के कमा सकता है। क्यों? क्योंकि शहर में उसके काम की वैल्यू ज्यादा है, तो उसका जो काम है जो शहर में ज्यादा अच्छा चल रहा है वो उसके लिए एक पुल फैक्टर होगा जिसने उसको अट्रैक्ट किया है कि मैं गांव से ज्यादा शहर में कमा सकता हूँ, राइट। पुश फैक्टर क्या होता है कि उसके गाँव में रोजगार है ही नहीं, उसके गाँव में कृषि की कोई वैल्यू नहीं हो रही है और गाँव में सूखा पड़ गया है। मान लीजिए गाँव में सूखा पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही है या बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई और वो वहां रह ही नहीं सकते, तो इस वजह से वो उसका पुश फैक्टर बनेगा कि अब तो यहाँ रह ही नहीं जा सकता, तो वो दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो पुल फैक्टर होता है वो हमेशा सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। अब सिक्योरिटी ऑफ लाइफ के अंदर आपके मेन पावर आता है मनी का, राइट। और कोई भी इंसान जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी से दूर जाने के लिए उनको क्या चाहिए होता है? एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है। तो पैसे के लिए भी एम्प्लॉयमेंट का होना जरूरी है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ का ही एक पार्ट बन जाएगा। यस, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। बेस तो अनएम्प्लॉयमेंट भी सही है, बट अनएम्प्लॉयमेंट किस चीज के लिए है? आप आज नौकरी करना चाहते हैं किसके लिए? देश की सेवा करने के लिए करना चाहते हैं या पैसे कमाने के लिए करना चाहते हैं? मैं आपको बोलूं कि आपको एक अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिलेगा, बट आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ देश की सेवा करनी है, फ्री सेवा देनी है, तो आप देंगे? नहीं। जस्ट बिकॉज आप अनएम्प्लॉयमेंट है वो इस वजह से है क्योंकि हमें नीड है, किसकी? मनी की नीड है। और मनी की नीड किस वजह से होती है? ताकि हमारी लाइफ को सिक्योर कर ले। गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि लाइफ की सिक्योरिटी रहती है। तो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ में आपके अनएम्प्लॉयमेंट भी आ गया, पैसा भी आ गया, आपका फन फैक्टर भी आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है, ये सब आ गया इसके अंदर। इस वजह से आंसर अपन ए करेंगे। अगला है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, द स्टेट हैविंग द मिनिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज? ग्यारह की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य कौन है? गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड एंड सिक्किम। मिक्स आंसर यहां पर आ रहे हैं, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिक्किम। सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए कि लोएस्ट पॉपुलेशन का परसेंट कहाँ पे है, तो वो सिक्किम के अंदर है। काफी लोगों को लग रहा है त्रिपुरा, नागालैंड एंड गोवा। गोवा में परसेंट कम नहीं है, गोवा का एरिया कम है, लेकिन वहां पे जो डेंसिटी है घनत्व अच्छा खासा है। त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम कंप्लीटली माउंटेन इलाका आ जाता है, ठीक है, और इसी वजह से वहां पे क्या है आपके
जो परसेंट वाइज देखा जाए तो परसेंट वाइज जो रेशियो है वो डाउन जाता है। अगला, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द कम्युनिटी दैट गॉट द माइनॉरिटी स्टेटस इन 2014। 2014 में अल्पसंख्यक का दर्जा पाने वाले समुदाय के नाम की पहचान करें, पारसी, सिख, जैन या फिर बुद्धिस्ट। कौन थे जिन्होंने अल्पसंख्यक का दर्जा लिया था? करेक्ट आंसर है, साक्षी चंद्रा ने दे दिया है ऑप्शन नंबर सी, जैन। जैन जो है वो 2014 के अंदर जैन को माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया था। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, और ये सबसे जिसको अपन बोल सकते हैं कि जैसे माइनॉरिटी में भी अगर अपन देखें कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी किसका है, तो मुस्लिम हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी है। सिमिलरली जैन जो है वो लोएस्ट परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी है, ये 0.something% ऑल ओवर इंडिया में इनकी पॉपुलेशन है। तो लोएस्ट माइनॉरिटी जो आज के टाइम पे इंडिया की है वो जैन की है, लोएस्ट माइनॉरिटी के अंदर ये आते हैं। अगला 44 नंबर का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन वुड इंक्रीज इन अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर द फूड सप्लाई वुड इंक्रीज ओनली बाय एन arithmetic progression, who said this? बताइए, जनसंख्या एक ज्यामितीय प्रगति में बढ़ेगी जबकि खाद्य आपूर्ति केवल अंकगणितीय प्रगति में बढ़ेगी। करेक्ट आंसर है इसका रॉबर्ट माल्थस। रॉबर्ट माल्थस ने अपना पॉपुलेशन के से रिलेटेड एक क्वेश्चन अपना वो दिया था, जिसके अंदर उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सिक्योरिटी इनका उन्होंने वेरिएशन बताया था कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सिक्योरिटी एक दूसरे से एक साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने द एसे ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ पेपर भी अपना पब्लिश किया गया था, इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी थी। इन्हीं के सिमिलर सेडलर सर भी थे जिन्होंने द लॉ ऑफ पॉपुलेशन की बात करी थी, बट उनके में पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन डेंसिटी के बीच में वो डिफरेंस बता रहे थे। यहाँ पे वो आपके फूड सिक्योरिटी के बारे में या फूड का जो सप्लाई है उसके बारे में बात करते हैं। यस, 1798 में इन्होंने अपना लॉ ऑफ अपना जो पॉपुलेशन से रिलेटेड थ्योरीज है उसको प्रेजेंट किया था। अगला सवाल, गिवन आर असर्शन एंड रीजन, बताइए। असर्शन है आपके सामने एक और एक उसका रीजन है। असर्शन इज लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन इनसाइड द सिटी। The reason is in the percentage of total migrate, Bangladesh recorded the highest number in the 2011 census. ओके, तो आंसर मोस्टली बी आ रहा है कि दोनों सही हैं बट एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। द राइट आंसर इज ऑल्दो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अगर आप एक को देखोगे तो यहाँ पे बोला गया है कि कुल प्रवासियों के प्रतिशत में बांग्लादेश ने 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की है। ठीक है, बात सही है। बुनियादी संस्थागत सुविधाओं की कमी देश के अंदर ग्रामीण शहरी प्रवास के प्रमुख कारणों में से एक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जो एक तरफ तो आप एक पर्टिकुलर देश की बात कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक पूरी कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ पर आप रूरल अर्बन की बात कर रहे हो, तो रूरल अर्बन तो इंटरनल ही हो रहा है ना किसी देश में। यहाँ पे बात हो रही है पर्टिकुलर देश की, जैसे मान लीजिए कि प्रवासियों का प्रतिशत है बांग्लादेश में इतने प्रवासी आए या बांग्लादेश से इतने प्रवासी गए, अल्टीमेटली कोई बांग्लादेश गया कोई बांग्लादेश से आया। पहले में बात हो रही ग्रामीण शहरी कि भारत में या भारत में आप बोल दीजिए कि भारत में गांव से शहरों में इतना हुआ, शहरों से गांव में इतना हुआ। तो दोनों सही है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये रीजनल माइग्रेशन की बात कर रहा है और ये नेशनल माइग्रेशन की बात कर रहा है। सो दैट इज वाई बोथ आर करेक्ट बट ए इज नॉट एक्सप्लेनिंग बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नाउ द मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब बर्थ रेट, जन्म दर को सबसे अच्छा कौन बताता है? जन्म दर, बर्थ रेट।
ए बी सी या फिर डी। ओके, तो आंसर्स बहुत जल्दी आने लगे, इतना जल्दी तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा जाता होगा, चक्कर क्या है भाई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पर्सन इन द ईयर, यानी कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, लाइक 1000 में कितने व्यक्ति जीवित हुए हैं। एक निश्चित अवधि में कुल जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, दो समय बिंदुओं के बीच में विशेष जनसंख्या का परिवर्तन। यहाँ पे आपसे जन्म दर पूछी गई है, यानी कि प्रति 1000 में कितने बच्चों ने जन्म लिया, जनरल सी बात है, वो आपकी जन्म दर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया एम टू ब्रिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट TFR टू रिप्लेसमेंट लेवल बाय। आज अपने को पूरे 75 क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2008 का उद्देश्य कुल प्रजनन दर TFR को किसके द्वारा प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है? टू थाउजेंड नाइन, 10, 11 एंड 12। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट 2010, नो नो नॉट 9, 2010, 2010 तक जो TFR है, जिसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोला जाता है, कुल प्रजनन दर को अपने रिप्लेसमेंट लेवल तक लेकर के आना है, बी करेक्ट है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, मतलब कि भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि की अवधि कौन सी है निम्नलिखित में से? 1901 टू 21, 51 टू 81, 21 टू 51 एंड 81 टू 11। ओके, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, 51 टू 81। इसको हम विस्फोट की अवधि भी बोलते हैं, लाइक इसमें ब्लास्ट हुआ था एक तरीके से, बहुत ज्यादा रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी। चलिए फिर से छोटा सा सवाल है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड, ये भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी से है। हाँ, मतलब हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, तो मैं हर यूनिट से क्वेश्चन कवर कर रही हूँ। पिछले जो इतने क्वेश्चन करे, फिजिकल कंप्लीट कर ली है, अब इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट आपकी, देखते हैं कौन सी आती है। इन द केस ऑफ रिग्रेसिव पॉपुलेशन द एज सेक्स पिरामिड हैज अ नैरो बेस एंड अ नैरो टॉप, रीजन द प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन हैज अ वाइल्ड बेस दैट क्विकली नैरोज अपवर्ड टू अ पॉइंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। दिख नहीं रहा है, आई थिंक ये क्लियर है। फोन को उल्टा करो, हॉरिजेंटल करो, लाइक जैसे मैंने किया हुआ है ऐसे फोन को करो, और फिर जूम भी हो जाएगा उससे, तो इजीली आप जूम भी कर सकते हो, तो आपको आराम से दिख रहा है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अपनी क्वालिटी को एटलीस्ट 360 तो आपको रखना ही पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन दिखेगा, 144 में तो नहीं आएगा। ओके, लेट्स सी क्या है करेक्ट आंसर। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पे आपके जो बात करी गई है वो प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन की बात करी गई है, और यहाँ पे रिग्रेसिव पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो दोनों के कीवर्ड कंप्लीटली अलग अलग है। इन केस ऑफ ए रिग्रेसिव पॉपुलेशन, तो रिग्रेसिव का मतलब होता है प्रतिगामी, और प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील, तो प्रतिगामी और प्रगतिशील दोनों अलग अलग है, कंपेरेटिवली दोनों करेक्ट है, करेक्ट तो ये दोनों ही स्टेटमेंट है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, नेक्स्ट, मिशेल थॉमस सेडलर हैज प्रोपोंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ लैंड रेंट डेंसिटी एंड फंडिसिटी प्रिंसिपल, जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी एंड एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन।
सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेंसिटी एंड फंडिसिटी प्रिंसिपल, ये आपके सेडलर सर ने बात यहाँ पे करी थी। बी इज द वेरी करेक्ट आंसर। मैंने थोड़े टाइम पहले आप लोगों के लिए अलग अलग एमसीक्यूज में लेकर आई थी, जिसमें मैंने स्पेशली ज्योग्राफी के थ्योरी एंड मॉडल, जितने भी ज्योग्राफी के थ्योरी एंड मॉडल है उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज मैंने करवाए थे, उसको आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में भी देख सकते हो। और स्पेशल क्लास की तो बात ऐसी है दोस्तों कि अभी जैसे ही हम इस क्लास को एंड करेंगे, वैसे ही 3:04 पर आपके लिए मैं स्टार्ट कर दूंगी हमारी क्लास, जिसमें मैं ओशियनोग्राफी के एमसीक्यूज अभी करवा रही हूँ। वहां पे भी अपनी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। वहां पे क्या होगा कि ये वाली जो क्लास है ना, आज वाली क्लास, इस क्लास का भी आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा, और वहां जो मैं क्लास लूंगी उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको दोहरा लाभ हो जाएगा इससे। तो आप सीधा मुझे अनअकैडमी के, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे इस क्लास के जस्ट बाद में ज्वाइन कर लेना, जस्ट बाद में मैं स्टार्ट कर दूंगी। अब कहाँ से ज्वाइन करेंगे, तो गाइज इसका जो लिंक है वो आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहां से आप सीधा आ सकते हैं। और हाँ, सबसे पहले अगर आ रहे हो तो UGC10 कोड लगा देना, ताकि आपकी क्लास एनरोल हो जाए। ओके जी, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द K4 इन क्रिस्टालर्स मॉडल? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्रिस्टालर के मॉडल में K4 का प्रतिनिधि है? मार्केट प्रिंसिपल, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, K4। मतलब इतने इतना सोचना ही नहीं है। यहाँ पे आपको तीन मिलेंगे, K3, K4 एंड K7। K3 इज फॉर मार्केट प्रिंसिपल, K4 इज फॉर ट्रांसपोर्टेबल प्रिंसिपल, K7 इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, ठीक है? तो मार्केट इज इक्वल टू K3, ये आ गया आपका K7। ATM, वेरी गुड। ATM से आपको याद रखना है, ATM, एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रांसपोर्ट, मार्केट। बट इसको अपने को उल्टा करना है, लाइक पहले एम आएगा, फिर टी आएगा, और फिर ए आएगा। अच्छा जी, अगला सवाल। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन पेयर। इकोलॉजिकल मॉडल रॉबर्ट पॉक, सेक्टरल मॉडल होम्स हॉयट, मल्टीपल न्यूक्ली मॉडल हैरिस एंड पुलमैन, कंसेंट्रिक जोन मॉडल एटम एटम हवले। डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपको बताना था इनकरेक्ट प्रेयर। कंसेंट्रिक जोन मॉडल किसने दिया था आपके सामने? यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हमने यहाँ पे दिए थे, आपको गलत की पहचान करनी थी। काफी लोग बोल रहे हैं जैसे इकोलॉजिकल मॉडल, तो वो तो आपके रॉबर्ट पार्क का था, ठीक है? अभी भी आंसर गलत ही आ रहे हैं। कंसेंट्रिक जोन मॉडल ई बर्गेस का है, बिल्कुल। देखिए, कंसेंट्रिक जोन मॉडल जो है वो आपके, इसको बर्गेस मॉडल के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम CCD मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो ये आपके एटम, सॉरी, एमस हवेले का नहीं है, ये आपके है बर्गेस सर का। ये अगला सवाल। ड्राई पॉइंट सेटलमेंट आर कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट, फ्लड प्लेन, फॉरेस्ट एरिया, कास्ट रीजन। देखो, ड्राई पॉइंट से ना अंदाजा लगा लेना क्या कहना चाह रहे हैं।
अच्छा जी, काफी लोगों को लगता है ड्राई पॉइंट का मतलब डेजर्ट रीजन, बट नहीं, ड्राई पॉइंट या जो ड्राई पॉइंट सेटलमेंट्स होते हैं वो बेसिकली फ्लड प्लेन्स के पास में पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक तरीके के आपके पैटर्न होते हैं, मतलब सेटलमेंट्स में जब अपन पढ़ते हैं दोस्तों तो दो तरीके की चीजें होती है। ठीक है, एक आता है सेटलमेंट में टाइप, एक आता है सेटलमेंट का पैटर्न। राइट, पैटर्न का मतलब ये होता है कि 5-6 बस्तियां एक साथ किस रूप में है, और टाइप का मतलब होता है पर्टिकुलर कैसी है। यस, डेजर्ट रीजन में ह्यूमिड मिलती है, ये बात, डेजर्ट रीजन में ह्यूमिड मिलती है और फ्लड प्लेन्स में ड्राई पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट, चलिए जी, तो फिर से इसी से रिलेटेड सवाल है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, एक तरफ है सेटलमेंट अलाइनमेंट, दूसरी तरफ है सेटलमेंट पैटर्न। तो मैंने बताया था आपको सेटलमेंट टाइप अलग चीज है, पैटर्न अलग चीज है, तो आपको पैटर्न के बारे में बताना है। आई डोंट थिंक कि इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए, बहुत इजी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दैट मींस कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपके सर्कुलर को बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्लस्टर को बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपके ऑप्शन नंबर सी जो है स्टार पैटर्न को बता रहा है, और ऑप्शन नंबर डी आपके यूनिफॉर्म को बता रहा है। जैसे कि आपको दिखने में आ रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं, यहाँ पे स्टार बना हुआ है, यहाँ पे मिक्स है, तो क्लस्टर है, और ये आपका सर्कुलर है। करेक्ट। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द हेलमेटेड रूरल सेटलमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बस्तियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? हैमलेट। हैमलेट आपको पता होगा कि रूरल सेटलमेंट में जब भी कभी हम सेटलमेंट की शुरुआत करते हैं तो हैमलेट एक सबसे छोटी यूनिट होती है, फिर उसके बाद में आपका विलेज आता है, फिर आपका उसमें टाउन आता है, फिर आपकी सिटी, मेगा सिटी, फिर ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट फ्रेगमेंटेड यूनिट विच आर फिजिकली सेपरेटेड, खंडित इकाई है जो शारीरिक रूप से अलग होती है। हैमलेट और कुछ भी नहीं, 4 से 5 घरों का एक समूह हम इसे बोल सकते हैं, जिसके थोड़ा सा भाग मिलकर के विलेज बनता है, तो ये विलेज से भी छोटी यूनिट होती है जिसको हैमलेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, सेपरेटली होते हैं, फिजिकली सेपरेटली वहां पे बसे हुए होते हैं। नेक्स्ट, हैरिंगटन डिफाइंड बट पार्शली रूरल एंड वेयर मेनी ऑफ रेजिडेंट्स लिव इन द कंट्री बट आर नॉट सोशली एंड इकोनॉमिकली ऑफ इट, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ। हैरिंगटन ने परिभाषित किया, हंटिंगटन ने परिभाषित किया या हैरिंगटन ने किया, आंशिक रूप से ग्रामीण और जहाँ कई निवासी देश में रहते हैं लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से नहीं है, यह अवधारणा कहाँ की है? सांस्कृतिक शहर, ग्रामीण शहरी सीमांत क्षेत्र, बल्क पॉइंट का ब्रेक एंड अर्बन कैनोपी, या कैनोपी का मतलब होता है शहरी क्षेत्र या शहरी छत्र। छत्र, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज रूरल अर्बन फ्रिंग जोन, ग्रामीण शहरी सीमांत क्षेत्र। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कई निवासी रहते हैं लेकिन वो वहां पे सामाजिक आर्थिक रूप से जुड़े हुए नहीं है, तो सीमांत क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पे उनकी बॉर्डर आ जाती है। कोर एरिया में तो सब रहते हैं दोनों जगह, लेकिन एक एरिया ऐसा आता है जो उनका ट्रांजिशन जोन कहलाता है।
अगला देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट्स आर द पीपल इंगेज इन एक्टिविटी लाइक फिशिंग, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट वर्क एक्सेट्रा, रूरल, अर्बन, फॉरेस्ट्री एंड परमानेंट सेटलमेंट। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रूरल सेटलमेंट, क्योंकि ये जो सारे काम थे ये रिलेट कर रहे हैं प्राइमरी वर्क से, प्राइमरी सेक्टर से। अब प्राइमरी सेक्टर के अंदर ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो आपके रूरल सेटलमेंट में ज्यादा रहता है, तो प्राइमरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट रूरल सेटलमेंट में ज्यादा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन रिवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, शहरी क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई, गार्डन चाइल्ड, गैरो, जीके जिफ एंड ऑटो ऑटो स्कल्टर। गार्डन चाइल्ड करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, शहरी क्रांति की अवधारणा गार्डन चाइल्ड ने दी थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्लोबल सिटी, ग्लोबल सिटी की अवधारणा किसने दी, ग्लोबल सिटी के बारे में आपको बताना है। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, लिंकेज हैव अ डायरेक्ट एंड टैंगेबल इफेक्ट ऑन ग्लोबल अफेयर, एसिटी का वैश्विक मामलों पर प्रत्यक्ष और ठोस प्रभाव यहाँ पे पड़ता है, तो डी करेक्ट आंसर। चलिए, सिक्स क्वेश्चन, 60 नंबर का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में कोशिश करेंगे कि 15 क्वेश्चन हम और कर पाए ताकि हम हमारी जो सीरीज है उसको अपन कैच कर सकें। In India, the maximum rural settlement is found in Jammu Kashmir, West Bengal, Kerala, and none of these. ज़्यादातर जो rural settlement है इंडिया में वो कहाँ पे देखे जाते हैं? केरला, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल एंड केरला। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर, यानी कि यहां पे सबसे ज्यादा रूरल सेटलमेंट देखे जाते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये जो इलाका है कंपैरेटिवली पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे जो घर है वो दूर दूर बने हुए हैं। नेक्स्ट, द लाइन जॉइन द इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज नोन एज आइसोटेम, आइसोटोपेन, मटीरियल इंडेक्स एंड एरिया कॉस्ट कर्व। समान परिवहन लागत को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसोटेम, आइसोटोपेन, मटीरियल इंडेक्स एंड आपके एरिया कॉस्ट कर्व, यानी कि क्षेत्र लागत वर्ग। ए, लेट्स सी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आइसोडोपेन। ये जो कॉन्सेप्ट था जब 1909 में अल्फ्रेड वेबर सर ने सबसे पहले अपना ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी दी थी, तो उसके अंदर उन्होंने आइसोडोपेन बताया था, जो इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिन जिन जगह पे आती है उनको मिलाने वाली लाइन को उन्होंने आइसोडोपेन बोला था। जैसे अपन
आइसोबार होता है, आइसोथर्मल जो आपके आइसोटिम होती हैं, वैसे ही उन्होंने जैसे समान वायु को समान टेम्परेचर को मिलाने वाली रेखा, तो वैसे ही समान परिवहन को मिलाने वाली रेखा के लिए उन्होंने यूज किया था आइसोडोपेन। नेक्स्ट, एक नंबर पे है लिस्ट, दूसरे नंबर पे है लिस्ट टू। अब आपको मैच करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे जैसे क्वाटरनरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। घिनौना क्षेत्र नहीं है, ये द्वितीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र। कच्चे माल, कच्चे माल में परिवर्तन, सेवाएं देना, नई चीजें बनाने के लिए ज्ञान का उपयोग करना। एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, एक का बिल्कुल जी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। ये प्राइमरी सेक्टर है जिसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल को निकालने का काम किया जाता है। आपने जो रॉ मटेरियल निकाला है उसको नई चीज में कन्वर्ट करना, मतलब कपास की खेती करना वो एक प्राइमरी में आती है, कपास से कपड़ा बनाना वो एक सेकेंडरी में आता है। उस कपड़े को कौन किस तरीके से बेचता है या अपनी उसके लिए कोई अगर ऐड कर रहा है तो वो अपनी सेवाएं दे रहा है, तो वो थर्ड में आता है। और उस कपड़े को लेकर के क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी अपन बना सकते हैं, यानी कि जहां पे हम ज्यादा दिमाग अपना लगा रहे हैं वो आपके चतुर्थ या क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर आता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पैंथम पाइल इन रिसोर्स ज्योग्राफी। संसाधन भूगोल में फैंटम पाइल की अवधारणा किसने पेश की? ई डब्ल्यू जिमरमैन, डेनिस मेडॉस, ए स्मिथ एंड जे एम कैनियस। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट ई डब्ल्यू जिमरमैन। जिमरमैन ने सबसे पहले फैंटम पाइल के कॉन्सेप्ट को दिया था रिसोर्स ज्योग्राफी के अंदर। नेक्स्ट है, द एसोसिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन क्लोजर प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नोन एज। लाभ को अधिकतम करने के लिए एक दूसरे के निकट उत्पादक गतिविधि के जुड़ाव को क्या कहा जाता है? ग्रोथ, क्लस्टरिंग, एग्लोमरेशन एंड जोनिंग। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट एग्लोमेरेशन। अधिकतम करने के लिए जब गतिविधियों को जोड़ा जाता है तो उसको अपन एग्लोमेरेशन बोलते हैं। हिंदी तो खैर गूगल बाबा की मेहरबानी से अच्छी है ही, बट इंग्लिश याद कर लो आप। नेक्स्ट है, 10 क्वेश्चन और है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, 10 क्वेश्चन और है बस, फिर अपन अपने क्लास को समाप्त करेंगे। रूर, पेंसिल्वेनिया, ओसाका एंड बैंगलोर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम एंड कोल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, हैवी इंडस्ट्रियल बेल्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। करेक्ट, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूर जो है वो, रूर एक जर्मनी का क्षेत्र है, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज में भी स्पेशली यहाँ पे चाहे वो आपके आयरन ले लो, कोल ले लो, इनका होता है। बैंगलोर हम सभी जानते हैं कि बैंगलोर इज ह्यूज फेमस फॉर आईटी सेक्टर। ओसाका जापान का एक आइलैंड है जो स्पेशली फेमस है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। और जो पेंसिल्वेनिया है
वो आपके स्पेशली फेमस है पेट्रोलियम एंड कोल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि पेंसिल्वेनिया अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट के अंदर आता है और वहां से गल्फ कंट्री से जो कोल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कंपेरेटिवली ईजी होता है. इज राइट. अगला असर्शन एंड रीजन. कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री इज ऑफन लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. इंडस्ट्रीज आर यूजुअली लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तांबा गलाने का उद्योग अक्सर कच्चे माल के स्रोत के पास स्थित होता है. उद्योग आमतौर पर कच्चे माल के स्रोत के करीब होते हैं. मुझे नहीं लगता कोई इसमें गलत करेगा. इसमें तो आंसर ऑब्वियस है, मतलब बस ये लिखा हुआ ही नहीं है कि ये दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बाकी तो सब सही है. देखिए तांबे गलाने का उद्योग जो है वो अक्सर कच्चे माल के स्रोत के पास स्थित होता है और उद्योग आमतौर पर कच्चे माल के स्रोत के पास में स्थित होता है, लेकिन क्योंकि आमतौर पर कच्चे माल के स्रोत के पास में स्थित होता है इसलिए तांबे का उद्योग है, ये गलत है. अल्टीमेट प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का पैसा है देखो भाई, और कुछ भी नहीं है. बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो कच्चे माल के स्रोत के करीब होते हैं, जैसे कि चीनी हो गया, क्योंकि शुगर मिल के पास जो चीनी उद्योग है उस वो गन्ने के खेत के पास लगता है हमेशा. क्यों? ताकि गन्ने का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाए. तांबे का उद्योग है क्योंकि तांबा ट्रांसपोर्टेशन में भारी होता है, लेकिन जैसे कपास है और साथ ही साथ आपके आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर के लिए कोई कच्चे माल की जरूरत नहीं होती है. तो कहीं ना कहीं बात तो सही है, लेकिन क्योंकि आमतौर पे होते हैं इसलिए तांबा है. जी नहीं, तांबा अपने रीजन की वजह से है और उद्योग आमतौर पे अपने रीजन की वजह से होते हैं. तांबे का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो थोड़ा ज्यादा चला जाए इस वजह से वो पास में है, और जैसे आपके आईटी सेक्टर के कोई भी उद्योग है उनके लिए कच्चा माल मैटर नहीं करता, तो वो कहीं से भी हो सकता है. वो थार के रेगिस्तान में बैठ के भी अगर वहां पे नेटवर्क है तो वहां से भी उनका काम चल सकता है, तो वो उन पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं. बी आंसर है. अगला शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रेडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. किस राज्य में स्थानांतरण खेती की जाती है? नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, साउथर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थर्न स्टेट. उत्तर पश्चिमी राज्य, दक्षिणी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य और उत्तरी राज्य. वेरी गुड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं. यहां पे देखेंगे कि ये वाला जो इलाका है ये है नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, वैसे तो हर जगह अलग अलग होती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इसको स्पेशली झूमिंग के नाम से भी जाना जाता है. झूमिंग किसी के नाम से, ठीक है, करने में ऐसा नहीं है कि ये कहीं नहीं हो रही है, बट ऑब्वियसली इसको झूमिंग के नाम से नॉर्थ ईस्ट में जाना जाता है. अगला, चूज द करेक्ट स्टेज ऑफ फ्राइडमैन्स कोर पेरिफेरी मॉडल फ्रॉम द फॉलोइंग. निम्नलिखित में से फ्राइडमैन के कोर परिधि मॉडल के सही चरणों का चयन करें. करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी. ऑल आर द करेक्ट. फॉर प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी विद लोकलाइज्ड इकोनॉमिक ट्रांजिशनल फेज, इंडस्ट्रियल फेज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी विद फुल्ली डेवलप्ड अर्बन सिस्टम, कोर पेरिफेरी मॉडल. ये फ्राइडमैन ने आपके सबसे पहले दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि सबसे पहले एक इंडस्ट्रीज होती है, फिर उसके आसपास उसके वर्कर्स रहते हैं, यहाँ पे लोअर क्लास लोग, यहाँ पे मिडिल क्लास, फिर हायर क्लास. इसको लेकर के इन्होंने अपना कंप्लीट मॉडल दिया था, जिससे रिलेटेड ये चारों पॉइंट्स कंप्लीटली ट्रू है. अगला सवाल, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्कॉलर अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल मैट्रिक्स फॉर डिसीजन मेकिंग अ न्यू प्लान लोकेशन.
किस विद्वान ने निर्णय लेने के लिए एक नए संयंत्र स्थान के लिए व्यवहार मैट्रिक्स की अवधारणा को लागू किया था? बताएं जल्दी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए सी दैट सॉरी प्रैड सॉरी बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया ए जल्दी से करेक्ट हो जाएगा कि यानी कि मैट्रिक्स की जो पोजीशन थी मैट्रिक्स जो था वो आपके प्रैड सर ने सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया था लागू किया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्नोलॉजी फॉर यूटिलाइजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। उष्णकटिबंधीय देशों में नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है? बहुत इजी है ये तो ऑब्वियसली ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय देश का मतलब क्या हो गया? ट्रॉपिकल कंट्रीज वो हो गई जो पूरे साल सन की रोशनी लेते हैं, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच में आते हैं, ठीक है वो आपके ट्रॉपिकल कंट्रीज हो गई। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या हो सकता है क्योंकि इनको हर पूरे साल सन रेज मिलती है, तो सन से बनने वाला जो सोलर कुकर होता है, ऑल्दो ये इतना सक्सेसफुल नहीं है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, बट ठीक है फिर भी मान सकते हैं। एंड द लास्ट 5 क्वेश्चंस आर स्वेज कैनल कनेक्शन बिटवीन ब्लैक सी एंड रेड सी, रेड सी एंड मेडिटेरियन, डेड एंड मेडिटेरियन एंड कैस्पियन एंड गल्फ ऑफ एडन। स्वेज जो कैनल है, स्वेज नहर, वो किन दो के बीच में कनेक्शन बनाती है? ओके तो आंसर बताएं, काफी लोगों ने आंसर दिया है। द वेरी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 क्योंकि यहाँ पे आ जाता है मेडिटेरियन सी, ठीक है, और ये जो इलाका है ये है रेड सी का, और यहाँ पे इस जगह पे बनी हुई है आपके स्वेज कैनल। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, कोई सा भी नहीं। आप क्या देख रहे हो? देखो इंटर स्टेट डिस्पाइटरी रेफर टू डिस्पाइटरी विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट यानी कि अंतरराज्यीय, ठीक है, असमानता राज्य के भीतर असमानता को करता है। अंतरराज्य का मतलब होता है दो राज्यों के अंदर, मतलब कि एक स्टेट ए है एक स्टेट बी है, तो बिटवीन स्टेट ए एंड बिटवीन स्टेट बी, नॉट बिटवीन द स्टेट ओनली इन ए, नॉट इन ए स्टेट, मतलब कोई बोले राजस्थान के अंदर
एक बोले राजस्थान और गुजरात के बीच में, तो यहाँ पे बात हो रही है अंतरराज्यीय असमानता, राजस्थान और गुजरात पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं राज्य के भीतर, तो यहाँ पे ए गलत है। अंतरराज्यीय असमानता एक विशेष भौगोलिक सीमा या राज्य के गरीब लोगों के अनुपात में, तो भाई अंतरराज्यीय में गरीब का कोई मतलब नहीं है। आता है ग्रामीण शहरी असमानता, राष्ट्रों के बीच मौजूद असमानता, लाइक भारत और पाकिस्तान के बीच में असमानता को आप ग्रामीण शहरी असमानता से जोड़ रहे हैं, तो ये तीनों ही पॉइंट गलत है, इस वजह से आंसर डी यहाँ पे हो जाएगा अपना। बहुत अच्छा, अगला सवाल बहुत ही बड़ा और छोटा सा सवाल है, तो अगर आप देखोगे समझोगे तो कर लोगे, 2 मिनट का भी समय नहीं है, 1 मिनट का टाइम है आपके पास में, जल्दी से इसको पढ़ो और करो। गाइस क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हो। एक क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर देशों का एक समूह है जो गैर सदस्यों से आयात से खुद को बचाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विमानन व्यापार क्षेत्र की सही परिभाषा है? आज ऐप पे क्लास बस विद इन 2 मिनट्स ऐप पे क्लास स्टार्ट होने वाला है गाइस, जैसे ही हम ये क्लास छोड़ेंगे 3:05 पे मैं ऐप पे क्लास स्टार्ट कर दूंगी। क्लास का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जल्दी से वहां पर आ जाना, UGC 10 अप्लाई कर देना अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो। चलो जी, तो आंसर बिना सोचे समझे हमने डी दे दिया क्योंकि हमें सबसे छोटा यही दिख रहा था, बट द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। That is exist when countries with a geographical reason agree to reduce or eliminate traffic barrier on selected goods import from other member of the area. तो correct answer is option number C. कोई बात नहीं, next है, who emphasized the need for unbalanced growth in the field of development economy? Hitchman, Midral, Doster and Rostow. विकास अर्थशास्त्र के क्षेत्र में असंतुलित विकास की आवश्यकता पर किसने बल दिया? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिट्समैन, नेक्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि तो नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट करनी है 2 मिनट में। द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, वर्टिकल्स 12, द एज 8, फाइंड द बेटा इंडेक्स द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क 12 एंड 8। एक परिवहन नेटवर्क की विशेषताएं हैं शीर्ष 12 और किनारे 8, ये बीटा सूचकांक का पता लगाएं। ईजी है गाइस, बहुत ईजी है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट 0.66। करना क्या था, सिर्फ और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना था। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए, अगर आपको लगे कि कोई भी प्रॉब्लम थी तो आप बग्स बाउंटी पे जा सकते हैं। साथ ही साथ अभी अपनी जस्ट स्पेशल क्लास स्टार्ट होने वाली है 3:05 पे, और अब से अपनी क्लास का टाइमिंग यही रहेगा, आफ्टर यूट्यूब हम स्टार्ट कर देंगे, आप में से जो जुड़ना चाहता है सीधा मेरे साथ में ऐप पर आ जाओ। आज वाली क्लास का PDF भी ऐप पर ही मैं देने वाली हूँ, जिसको अभी वाली क्लास का PDF चाहिए, जितने क्वेश्चन अपने हो चुके हैं उसके भी 25 एडवांस क्वेश्चन आपके लिए अभी मैं दे दूंगी, 100 क्वेश्चन आपको मैं अभी दे दूंगी स्पेशल पे, आप लोग मेरे साथ में जुड़ जाएं। ये टेलीग्राम चैनल है, सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन करोगे तो इस टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी यहाँ पे, राइट, अभी वाली क्लास का। और जो भी आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो अपने सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं के लिए।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।